नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रुस्तम के बारे में, रुस्तम 2 को लेके। सो रुस्तम 2 या फिर तापस बीएच को लेके जो फाइनल टेस्टिंग है, पैरामीटर है, उनका वैलिडेशन है, वो 2021 में किया जाना है। लेकिन जहाँ तक बात करते हो कि अभी रुस्तम 2 किस तरह के पैरामीटर को अचीव कर चुका है, तो उसमें हम स्पेशली बात करेंगे। अभी हाल ही में जो नवंबर में फ्लाइट कंडक्ट की गई थी, टेस्ट फ्लाइट, तो उस फ्लाइट में रुस्तम ने नेविगेशन सिस्टम यानी कि गगन, उससे इनपुट लेके अपनी पोजिशनिंग को और भी एक्यूरेट करते हुए फ्लाई किया था। ये फ्लाइट कंडक्ट की गई थी 8 आर के एंड्योरेंस तक, मतलब गगन से जो इनपुट है वो 8 आर तक कंटिन्यूस ली गई थी। वहीं पे जहाँ तक बात है जीपीएस की, तो जीपीएस का भी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, वो था, लेकिन वहाँ पे एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने के लिए गगन से जो इनपुट है वो लिया गया था। तो गगन का इस्तेमाल करते हुए 250 किलोमीटर से ऊपर 15,000 फीट ऑल्टीट्यूड पे जो टेस्ट फ्लाइट है वो कंडक्ट की गई थी। सो इस फ्लाइट के टाइम पे जो आपका ऑटो टेक ऑफ है तापस में, वो वैलिडेट किया गया है। और ऑटो टेक ऑफ एक नेसेसिटी है इस तरह के ड्रोन के लिए, जहाँ पे ये खुद ही टेक ऑफ करने में सक्षम होगा, कहीं बीच में जो कम्युनिकेशन लिंक है वो रह जाता है, तो ये अपने पॉइंट पे वापस आने में सक्षम होगा। रुस्तम में गगन को इस्तेमाल करने के लिए जो एक रिसीवर सेंसर है वो इनकॉर्पोरेट किया गया था। ये रिसीवर सेंसर आपका जीपीएस SBS रिसीवर है। यहाँ पे SBS स्टैंड करता है सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेड सिस्टम के लिए। तो बेसिकली जो आपके SBS रिसीवर होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल तो करेंगे ही, प्लस अगर वो किसी पर्टिकुलर रीजन में है तो वहाँ पे रीजनल नेविगेशन को बढ़ाने के लिए, एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए जो भी रीजनल सैटेलाइट काम कर रहा है उसकी वो हेल्प लेता है। इसीलिए यहाँ पे इस सेंसर का नाम SBAS दिया गया है, यानी कि सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेड सिस्टम। तो टेक्निकली अगर आप कहोगे तो ये आपके सैटेलाइट की जो एक्यूरेसी है वो इम्प्रूव करेगा पर्टिकुलर सिग्नल के लिए। इस तरह के रिसीवर की बात करोगे तो USA के पास WAAS है, यानी कि वाइड एरिया ऑगमेंटेशन सिस्टम। जापान के पास MSAS है, यानी कि मिचुबिकी सैटेलाइट ऑगमेंटेशन सिस्टम। इंडिया के पास GPS एडेड गगन है। चाइना बाइडू इस्तेमाल करता है। साउथ कोरिया KASS यानी कि कोरियन ऑगमेंटेशन सैटेलाइट सिस्टम, जो कि अभी डेवलपमेंट में ही है। इसी तरह से रशिया भी आपका SDCM इस्तेमाल करता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इन दोनों के लिए ऐसे ही सिस्टम अभी डेवलपमेंट में है, जिनको उन्होंने नेमिंग दी हुई है सदन पोजिशनिंग ऑगमेंटेशन नेटवर्क, यानी कि SPAN। सो भारत के लिए किसी भी इंडिजिनस प्लेटफॉर्म पे पहली बार इस सिस्टम का जो यूटिलाइजेशन है वो हो रहा है। आपके जो रुस्तम 1 है वो भी सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं, जो कि 10 घंटे की जो एंड्योरेंस है वहाँ तक फ्लाई कर चुके हैं ऑटो टेक ऑफ पे गगन के साथ। अब यहाँ पर रुस्तम 2 को लेके ये काफ़ी सवाल रहते हैं कि क्या रुस्तम 2 को आर्म्ड किया जाएगा। तो 2012-13 की प्लान की बात करते हो DRDO के प्लान की, तो वहाँ पर रुस्तम 2 को आर्म्ड करने का जो प्लान है वो रखा गया था। फिर 2016 में जो आपके रुस्तम 1 है उन पर लाहत ATGM को माउंट करके उनकी टेस्टिंग है वो की गई थी। जहाँ तक टेस्टिंग के रिजल्ट की बात है, तो जो रिजल्ट रहे हैं वो आपके अनुकूल रहे हैं। और प्रॉब्ली इन सभी को देखते हुए आने वाले टाइम में जो आपके रुस्तम 2 होंगे उन पर ये कोशिश की जाएगी कि जो भारत के अपने ATGM हो उनको माउंट किया जाए और वहाँ पर रुस्तम 2 को आर्म्ड किया जाए। तो इसकी जो पॉसिबिलिटी है उसको अभी आप रूल आउट नहीं कर सकते हो, क्योंकि रुस्तम 2 को आर्म्ड करना अभी भी प्लान में है। तो यहाँ पर जो भी आपके देसी ATGM होंगे उनका जो वेट है वो कम करना होगा, ताकि वो इस तरह के प्लेटफॉर्म से फायर किए जाएं। तो जहाँ तक करंट स्टेटस की बात है रुस्तम 2 या फिर तापस को लेके, तो ये अभी फिलहाल C4I प्लेटफॉर्म है, जो कि सर्वेलेंस रिकॉग्निशन जैसे रोल के लिए उपयोग में लाए जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।